आप क्या कहना चाहोगे इस जर्नी को और किस तरह से विश करना चाहोगे? यही विश करना चाहूँगी, उसके लिए विश करने की जरूरत नहीं है। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, तो मेरे ख्याल से जो भी चाहेगी वो अचीव करेगी लाइफ में, और हम बैठ के उसे चेयर करेंगे, सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, बिकॉज आई एम श्योर हर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट एंड वेरी श्योर। खतरों की खिलाड़ी जर्नी काफ़ी क्लोजली आपने देखी, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू रियली लव अबाउट हर इन खतरों की खिलाड़ी? Everything there is about her is worth loving. पर बहुत driven है, बहुत जितनी वो बच्ची है उतनी ही वो समझदार है और fun loving है, ऐसा भी नहीं कि yes. It's always nice to be around. इस वक्त काफ़ी interesting stunts हुए, आने वाले समय में क्या कुछ स्टंट्स होने वाले हैं इंटरेस्टिंग कुछ बताओ? मैं तो एलिमिनेट हूं, मुझे तो पता ही नहीं। हमें पता है इस वीक काफी आप बताइए कुछ क्लोज आपका फॉलो करिए। अभी नेक्स्ट वीक, ये वीक बहुत इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। yes. मैंने अभी कनिका वाला स्टंट काफी मैंने का। पूरा एपिसोड अभी मैं नहीं देख पाई हूं, मैंने तुषार और रुबीना वाला स्टंट yes. देखा और मुझे बहुत जेलसी फील हुई क्योंकि बहुत ब्लॉकबस्टर वीक था, तो बहुत ग्रैंड स्टंट्स थे, तो काफी सारे आपको ना देख के थोड़ा डिसअपॉइंट हुए फैंस, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? कोई नहीं, कोई और साल होगा, इस बार मेरे दोस्त हैं तो इस बार मैं चीयर करूंगी उनको। यस, बिग बॉस इज ऑल्सो कमिंग अप, आपको देख पाएंगे? नहीं, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट हैपनिंग। थैंक यू सर, थोड़ा विजुअल विजुअल मैम एक थोड़ा विजुअल करते सिस्टम में ये वाला कैमरा। थैंक यू, वेरी वेरी रुबीना जी मैम क्या कहना चाहोगे जन्नत जुबैर को? आपने काफी क्लोजली आज वीडियो भी डाला आपने इंस्टा पे, दही शी वाज ईटिंग चिप्स एंड ऑल, शी इज एक्सट्रीमली स्वीट। मैं उसे हमेशा कहती हूँ कि वो उसकी उम्र की नहीं है, शी इज लाइक अ ओल्ड सोल, व्हिच मींस के उसमें बहुत ज्यादा मैच्योरिटी है। शी इज टर्न्ड 21 टुडे, बट शी हैज सच अ ग्रेट सेंसिबिलिटी, बहुत ग्राउंडेड है एंड बहुत हार्ड वर्किंग, एंड दैट्स व्हाट रियली गॉट मी अटैच्ड टू हर ड्यूरिंग खतरों के खिलाड़ी, एंड शी इज अ वंडरफुल। इस वीक काफी इंटरेस्टिंग, जिस तरह से वो एक टास्क हुआ जहाँ पे कनिका को सेव करना था, आज तक हम लोगों ने काफी वो टास्क कभी नहीं देखा हिस्ट्री ऑफ जर्नी। आने वाले समय में किस तरह के चेंजेस दिखने वाले खतरों के खिलाड़ी में? बहुत सी चेंजेस आपको दिखेंगे, देयर वर अ लॉट ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स दैट हैपेंड ड्यूरिंग द शो, और आई मीन हाउ अंडर अ सर्टेन प्रेशर और मे बी अंडर सर्कमस्टेंस यू नो डिफरेंट ह्यूमंस बिहेव इन डिफरेंट वेज, यू विल गेट टू सी, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाउ वाज योर बर्थडे मैम? माय बर्थडे वाज अमेजिंग अमेजिंग, अपने सरप्राइज रखा था व्हिच वाज लाइक, मतलब मुझे खुद आभास नहीं था। उन्होंने मेरे सारे करीबी दोस्त बुलाए थे, जिन लोगों से मैं अपने काम या उनके काम की वजह से मिल नहीं पाती हूँ, सो ही मेड श्योर दैट एवरीबडी हु इज़ इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ वॉज देयर फॉर माई बर्थडे।
एंड झलक के प्रोमोस काफ़ी हिट हो रहे हैं, पीपल आर लविंग यू, पीपल वॉन्ट टू सी यू मोर एंड मोर इन झलक दिखला जा, क्या कहना चाहो? इतना प्यार मिलता है मैम आपको, बिग बॉस हो, झलक हो, खतरो हो. जब लोग आपको प्यार करते हैं, आपकी कला के लिए आपको सपोर्ट करते हैं, सो इससे बड़ी इससे बड़ा रिवॉर्ड एक्चुअली कोई नहीं हो सकता है. एंड आई एम एक्सट्रीमली झलक को भी उतना ही प्यार मिल रहा है, उससे ज़्यादा प्यार मिल रहा है जितना मेरे बाकी के रियलिटी शोज को मिला है. सो आई एम जस्ट वॉन्टिंग प्रेइंग एंड होपिंग दैट इट कंटिन्यूज टू ग्रो. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट मैम. आई ऑल्सो बॉर्न ऑन 26th August. या शिवानी शिवानी ऊपर ऊपर बस मैम थोड़ा सा पीछे अरे रुको फोटो माने दो मेरे को. शिवांगी मैम सेंटर से मिला मैम. क्या कहना चाहोगे जन्नत जी का बर्थडे? अरे यार देना ये क्या कर रहा है? चलो 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 रोल. काफी क्लोजली आपने देखा खतरों के खिलाड़ी, क्या आपको सबसे अमेजिंग लगते हैं उनके बारे में? जो भी करती है बहुत अच्छी से. किस तरह से अभी फॉलो कर पा रहे हैं आप? एलिमिनेट हो चुके हैं, हमने देखा आपके काफी बुरा लगा लोगों को. आप किस तरह से और फॉलो करें? कौन आपका पर्सनल फेवरेट है? क्या आने वाला है कुछ अमेजिंग म्यूजिक एल्बम ओटीटी? बहुत जल्दी पता चलेगा. एंड गाइस मैं बहुत लेट हो चुकी हूं, तो मैं आते वक्त आपको. ओके थैंक यू बर्थडे गला कहीं पीछे ले जाना. क्या बात है जन्नत जी. वेट जन्नत जी, वेट थोड़ा सा भाई लोग. जन्नत जी वेट, जन्नत जी बहुत ज्यादा आता है, जन्नत जी ज्यादा पीछे जाइए मैडम जी, थोड़ा पीछे. जन्नत वेट पीछे आना यार, नहीं मिल रहा है. मैडम जी दोनों मैडम जी यहाँ देखिए, यहाँ चल पीछे जाइए ना साथ, सामने देख एकदम सामने. ऐसा बोलना यार, इतना प्यार से बोलेगा ना पूरा हट जाऊंगा मैं. फोटो चलो तुम्हारे को. अरे सादा भाई पीछे आना यार, भाई पीछे धक्का आ रहा भाई, साइड में पीछे धक्का आ रहा भाई. आ जाओ भाई चंदू भाई, बाइक पहला आ जाना, बाइट कर दे जन्नत जी थोड़ा आगे. अरे पीछे क्यों यार, लाइट है पीछे. अरे चलो एक मिनट रुको जन्नत जी, यहां पे लेट नहीं हो रहे हो. अरे एक मिनट दे जाओ नीचे बैठ ले, नीचे आगे जाओ ना जन्नत जी. मैं आ जाऊंगा अभी. देखो नाइस था, देखिए एक मिनट हैप्पी बर्थडे मैडम जी, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए. और ले लो आशीष भाई ऑफ द डे. आज 21 इयर्स कंप्लीट हुए, क्या कहना चाहो? कितनी खुशी होती है आज. अरे मेरे को इससे पहले आई ना एक मालूम शांति के. हां बोलिए बोलिए. सच्ची बताना है? हां सच्ची सच्ची बता. तो ऑनेस्टली मुझे ऐसा कुछ भी बहुत अमेजिंग फील नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं बहुत बड़ी हो गई हूं और मुझे बहुत ऐसा. अरे आप लोग बाहर आओ ना यार, बाहर आओ ना. नहीं हो जाएगा, मैं आ गया हूं. बाहर आ जाओ. अरे अरे यार भाई आ जाओ जन्नत जी, आप आ जाइए ना. कोई मत लेना, इसलिए चिल्ला रहे हो ज्यादा. वो प्रमोशन चाहिए. काफी अमेजिंग खतरों की खिलाड़ी जर्नी काफी अमेजिंग जा रही है. जिस तरह लाइक एट योर एज टू डू सच काइंड ऑफ परफॉर्मेंस वेरी गुड, काफी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, क्या कहना चाहूंगी? मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और ऑनेस्टली लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं मुझे. एज अ खिलाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और मेरे लिए भी बहुत अनएक्सपेक्टेड सी जर्नी थी, बिकॉज मैंने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना आगे तक जाऊँगी और अच्छा खेलूँगी. सो आई एम वेरी ग्लैड, मुझे खुद बहुत पता चला अपने बारे में कि मैं कितना कुछ कर सकती हूँ. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. कितना डिफिकल्ट था आपके लिए?
हमारी विनर एक ही है। कितना डिफिकल्ट था जन्नत आपके लिए एक ऐसा डिसीजन लेना, खतरों के खिलाड़ी काफी अमेजिंग, क्योंकि बिग बॉस नॉर्मली बिग बॉस जाते हैं फिर खतरों के खिलाड़ी, पर आपने कुछ अलग किया इस बार, इस डिसीजन के बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा कुछ सोच के अलग नहीं किया कि पहले यहाँ जाऊंगी फिर वहाँ जाऊंगी, वो बस आपको, आप सबको पता ही है कि मैं कितना लास्ट मोमेंट फाइनलाइज हुई थी, जिस दिन हमारा फोटो शूट था उस दिन मुझे पता चला था कि मैं सच में कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था, कुछ प्रेप नहीं किया था, इट जस्ट हैपेंड एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट इट हैपेंड। काफी सारे दोस्त आपने बनाए, सबसे अमेजिंग दोस्त आपका कौन था इस जर्नी में और कौन सबसे ज्यादा? देखिए मैंने सबसे बहुत अच्छी दोस्ती बनाई, आप लोगों ने देखा होगा खतरों के खिलाड़ी के जो जो आए थे उन सबसे मैं बहुत क्लोज हूँ, और एक दो लोग हैं जो आए नहीं बट मैं उनकी भी बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, और जन्नत बिग बॉस भी आने वाला है, क्या आपको देख पाएंगे बिग बॉस में? यस जन्नत बिग बॉस भी आने वाला है, क्या आपको बिग बॉस में देख पाएंगे? विल फिनिश दिस शो? एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड नेक्स्ट वीक क्या कुछ स्टंट एंड ट्विस्ट देखने मिलेगा खतरों के खिलाड़ी में? बहुत अच्छे अमेजिंग स्टंट्स आपको देखने मिलेंगे नेक्स्ट वीक, प्लीज कीप वॉचिंग। एंड आपने झलक दिखला जाएगा प्रोमो देखा, फैजू और रुबीना जी भी है, काफी अच्छा प्रोमो है फैजू का, जो टिकटॉक के वीडियो होते हैं 30 सेकंड्स के, उसमें कहा है कि 30 सेकंड से ज्यादा उनको टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, आपको क्या लगता है बीइंग अ टिकटॉकर कितना अमेजिंग फील होता है? आपके काफी क्लोज फ्रेंड जाते एक ऐसे मंजिल पे पहुंच चुके, क्या कहना चाहोगे फैजू के लिए? आई थिंक बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ डांस शो और अ स्टंट बेस्ड शो, इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ एंड इट्स अबाउट प्रूविंग अदर्स दैट यू नो वी आर केपेबल ऑफ अ लॉट मोर थिंग्स। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हमारे विनर जन्नत जी, अरे बोल रहे भाई, केक आ गया, केक आ गया, केक आ गया, कट कट कर, हां इधर यहां पे की हो विनर है अपनी क्या बात है ना, ना। पीछे से क्लियर करो सब, कोई नीचे पीछे, ए हरिया हरिया ऊपर 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 भाई के ऊपर ले लो, हरिया हरिया चले दीपक, थैंक यू फॉर कमिंग जन्नत जी, ऊपर लीजिए जन्नत जी, ऊपर जन्नत जी, ऊपर जन्नत जी, जन्नत का फोटो चाहिए, अरे बोले ना तुम भाई, अरे वो लाइटर दे, केक काट दो, केक केक काटो, वो नहीं है जन्नत जी, हटा दो ना, फेंक दो नीचे, फेंक दो कैमरे में, मोबाइल ए भाई कौन है तू, मोबाइल देखना, ओ मैडम जी ये दोनों दे दो ना, बस अब थोड़ा सा सब लोग साइड हो जाओ, ये सब लोग पीछे आ जाओ थोड़ा, जन्नत जी यहाँ देखिए, पहले राइट से देखो, जन्नत जी यहाँ पे देखिए, जन्नत जी इधर देखिए, जन्नत मैम सेंटर सेंटर सेंटर, जन्नत जी यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ जी जन्नत जी सेंटर लो, मैडम जी यहाँ देखिए, जन्नत मैम सेंटर, जन्नत जी केक काटिए, अरे काटने वाला नहीं है, ठीक है ना, मत नहीं मत मुस्कुराए, कोई बात नहीं चलता है, अरे केक खिलाने जन्नत जी, आसिम को केक आसिम को केक खिलाने का, अरे कैमरा उल्टा कर रहा है, जन्नत जी जन्नत जी जन्नत जी रुकिए ना, जन्नत जी जन्नत जी फोटो चाहिए आसिम को, अरे तुम कौन हो, चलो 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 हो गया, फैजू भाई आग लगा दी, फैजू भाई रुको, फैजू भाई का फैन फॉलोइंग बहुत है साहब, अब बिग बॉस में जाएंगे, अब बिग बॉस में जाएंगे खतरों के खिलाड़ी, लॉकअप बहुत बाकी है अभी तो, झलक स्टेप पे स्टेप दे रहे हैं, झलक सारे सो रहे हैं, मोबाइल पिक्चर नहीं करूं मतलब, अरे अभी नहीं बाद में वोट कराना, भाई 30 सेकंड नहीं, 30 सेकंड से ज्यादा विजुअल देना, अंडरवेयर फोटो से ज्यादा दूंगा भाई, भाई भाई भाई।
अयो कैसा था जन्नत जी के बड्डा जन्नत जी के लिए दो शब्द बोलो ना प्यार वाला गॉड ब्लेस यू और आप जो हजारों साल नेक जैसी तमन्ना पूरी और खूब तरक्की करना इंशाल्लाह कोई शायरी तो बोल दे भाई सजवा बड़े पर्दे पे भाई एक शायरी शायरी भाई जो अरे धक्का कौन दे रहा है अरे मना किया रे आपको रिक्वेस्ट किया है ना मैंने कोई मत छापो सब मना किया है कैसा था बर्थडे आपने बोला आकर बैठ दूंगा आपने बोला अरे आप बैठो ना अरे हाथ घटाना यार चाहोगे जन्नत का बर्थडे काफ़ी इंटरेस्टिंग टीनेजर है हम लोग खतरों के खिलाड़ी में भी काफ़ी अमेजिंग खेल रहे हैं क्या कहना चाहोगे आप जन्नत बहुत ही स्वीट लड़की है एंड मेरी बहुत अच्छी दोस्त है दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड आई थिंक खतरों में देख रही हूँ जितना जितना थोड़ा थोड़ा मेरे बहुत सारे दोस्त खतरों में थे शिवांगी कनिका जन्नत आई थिंक दे आर ऑल डूइंग फैबुलसली वेल एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कौन जीत रहा है मुझे भी नहीं पता कौन लास्ट वीक आपने देखा रहेगा काफ़ी इंटरेस्टिंग देखा बिकॉज मैं थोड़ा सा झलक दिखला जा भी आ रहा है रुबीना फैजू सब लोग गए yes. क्या yeah. कहना चाहोगे प्रोमोस काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं right, right. मेरे काफी सारे नोन दोस्त मेरे हैं निया है नीति है बहुत सारे लोग हैं जो मेरे यू नो फ्रेंड्स हैं एंड आई थिंक मैं उनको बहुत अच्छा विश करना चाहूंगी कि जीत कर आए वो सभी कुछ बातचीत हुई वो लोग जाने से पहले लाइक नीति और मैं शूट प्लान कर रहे थे वो हमारा डिले इसलिए चला क्योंकि वो झलक में बहुत ज्यादा बिजी एंड शी इज डूइंग द शो एज वेल सो यही मेरी बात हुई अभी तक थैंक यू सो मच एक साथ में कर लेंगे अनुष्का जी साथ में Thank you for giving birth to a beautiful girl. Oh my God. जन्नत जी अनुष्का अश्नूर जी आपका सोलो इधर आओ ना एक मिनट थैंक यू रुबीना जी
अश्नूर जी आगे आ जाइए थोड़ा अश्नूर जी अश्नूर जी अश्नूर जी दो शब्द अश्नूर जी आ जाइए थोड़ा अश्नूर जी क्या कहना चाहोगे जन्नत जी का बर्थडे आप लोग की फ्रेंडशिप काफी स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल विशेष दे दीजिए जन्नत हैज़ बीन सच अ क्लोज फ्रेंड एंड आई गेस कि हम सब साथ में बड़े हुए हैं बचपन से लेकर अब तक का बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप रहा है एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट एंड शी कीप ग्रोइंग एंड शी कीप एंड खतरों के खिलाड़ी की जर्नी के बारे में क्या कहना चाहोगे अंडरडॉग के शी इज डूइंग फिनोमिनल यार आई मीन शी इज किलिंग इट एवरी टाइम एंड आई एम जस्ट सो सो प्राउड ऑफ हर एंड कुछ कहना चाहोगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट हाउ आर यू कैसी है आ जाइए हाउ आर यू दिव्या जी रुकिए अरे हुआ नहीं आपका दिव्या जी बाकी आप रुकिए दिव्या जी रुकिए सर को तो जाने दो सर फर्स्ट मैम थैंक यू दिव्या जी एक मिनट घूम हटाओ अरे उधर लाइट पीला है दिव्या जी आगे आ जाइए